गुम है किसी के प्यार में हो रही है निया शर्मा के बॉयफ्रेंड की एंट्री, बदल जाएगी टीवी सीरियल की पूरी कहानी। इधर विराट अपने खोए हुए विनायक की तलाश करेगा। इसी बीच विराट को पता चलेगा कि विनायक जिंदा है और उनका गोद लिया हुआ वीनू साई का भी बेटा है। लेकिन तभी विराट के पास डॉक्टर देसाई का फोन कॉल आ जाएगा जो उसे बताएंगे कि पत्रलेखा जिंदगी में कभी भी माँ नहीं बन पाएगी। टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में लगातार दर्शकों का दिल जीत रहा है। शो में आने वाले ट्विस्ट एंड टर्न लोगों का खूब मनोरंजन कर रहे हैं। शो की कहानी में कई एक नए आ रहे हैं। नील भट्ट, आयशा सिंह और ऐश्वर्या शर्मा स्टार गुम है किसी के प्यार में इन दिनों साई, विराट और पत्रलेखा की जिंदगी काफी उथल पुथल से गुजर रही है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कैसे अतीत के कई राज सामने आएंगे। विराट और पत्रलेखा ने अपनी शादी को नया फैसला देने का मौका दिया है, तो वहीं साई पूरी तरह से अकेले पड़ गई है। लेकिन गुम है किसी के प्यार में आने वाले मोड़ यहीं खत्म नहीं होते हैं। गुम है किसी के प्यार में होगी नई एंट्री। टीवी शो गुम है किसी के प्यार में को लेकर यह भी खबर आ रही है कि शो में साई की खातिर नए लीड की एंट्री होगी, जिसका किरदार निया शर्मा के कथित बॉयफ्रेंड राहुल सुधीर अदा करेंगे। हालांकि इंडिया फोरम से बातचीत के दौरान टीवी अभिनेता राहुल सुधीर ने बताया कि उन्हें शो के लिए कभी भी अप्रोच नहीं किया गया है। इस बात से गुम है किसी के प्यार में के फैंस को काफी झटका लगा है, लेकिन मेकर्स जल्द ही इस बारे में खुलासा करेंगे। दोस्तों, पाखी की खातिर साई के सच छुपाएगा विराट। इधर विराट अपने खोए हुए विनायक की तलाश करेगा। इसी बीच विराट को पता चलेगा कि विनायक जिंदा है और उनका गोद लिया हुआ वीनू साई का भी बेटा है। लेकिन तभी विराट के पास डॉक्टर देसाई का फोन कॉल आ जाएगा जो उसे बताएंगे कि पत्रलेखा जिंदगी में कभी भी मां नहीं बन पाएगी। दूसरी ओर साई आकर विराट से विनायक की रिकॉर्डिंग मांगेगी। गुम है किसी के प्यार में इस ट्विस्ट को लेकर माना जा रहा है कि पत्रलेखा की खातिर विराट साई से यह सच छुपाएगा कि विनायक उसका अपना खून है, ताकि पत्रलेखा को कोई परेशानी ना हो। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।